you can say this is grade phi or gradient of the scalar function phi. It is always a normal vector to the scalar function phi or say surface fxyz. ये हमेशा क्या होगा? Normal vector होगा to the surface phi. Okay? Next, very very important, directional derivative. It has a definition, the component of del phi in the direction of the vector d is always equal to del phi dot d, which is known as directional derivative. इसका मतलब अगर हम directional derivative को लिखना चाहें as a formula, directional derivative is always equal to del phi का component किसकी direction में? Vector d की direction में. देखिए del phi is a vector और इसका हमने component निकाला है. Component means किसकी direction में निकाला है? वेक्टर डी की डायरेक्शन में. वो क्या होता है? जिस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना होता है उसका डॉट प्रोडक्ट जिसकी डायरेक्शन में निकालना होता है उसके यूनिट वेक्टर के साथ. सो वी कैन राइट हियर डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू डेल फाई डॉट डी कैप. सो दिस इज अ डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डी. वी हैव द क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव. इसको और भी कुछ बोलते हैं, डेट इज रेट ऑफ चेंज. डायरेक्शनल डेरिवेटिव को और भी बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइ इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड इन द डायरेक्शन नॉर्मल. और इसको बोल सकते हैं आउटर नॉर्मल, एक ही बात है, टू द सरफेस एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 एट द पॉइंट इज 1. अब देखिए हमें किसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है फॉर phi इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, और किस डायरेक्शन में निकालना है? आउटर नॉर्मल टू द सरफेस दिस वन. आउटर नॉर्मल या नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस दिस वन. ओके, तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए? वो वेक्टर चाहिए जिसकी डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है. अब वो डायरेक्शन क्या है? आउटर नॉर्मल टू दिस सरफेस. और अभी अभी हमने क्या किया है? आउटर नॉर्मल क्या होता है? ऑलवेज डेल फाई. ओके, तो मान लीजिए वी हैव द सरफेस साइज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. ये हमारे पास क्या है? साई है. तो इसका नॉर्मल और वी कैन से आउटर नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? ऑलवेज इक्वल टू डेल साई. किसके बराबर होगा? डेल साई के. डेल हमारे पास क्या होता है? आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड इंटू साई. इसको मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा? आई डेल साई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल साई बाई डेल वाई प्लस के डेल साई बाई डेल जेड डेल साई बाई डेल जेड. ये हमारे पास वैल्यू होगी किसकी? डेल साई की. दिस इज योर डेल साई. और डेल साई क्या है? आउटर नॉर्मल वेक्टर. और आउटर नॉर्मल वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर या नॉर्मल डायरेक्शन टू सरफेस साई जिसकी डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है. मींस द वैल्यू ऑफ डेल साई का मतलब क्या हुआ?
हमारे पास ये जो डेल साई वेक्टर था इसकी 1 1 1 पर वैल्यू कितनी होगी ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज द वैल्यू ऑफ आई डेल साई बाई डेल एक्स प्लस जे टाइम्स ऑफ डेल साई बाई डेल वाई प्लस के टाइम्स ऑफ डेल साई बाई डेल जेड की वैल्यू 1 1 1 पर. अब देखिए साई हमारे पास है तो हम डेल साई बाई डेल एक्स डेल साई बाई डेल वाई डेल साई बाई डेल जेड इजीली निकाल सकते हैं और वो हम कैलकुलेट करने के बाद रखें तो हमारे पास कितना मिलता है ये चेक इट आउट देयर, क्योंकि साई हमारे पास ऑलरेडी गिवन है. तो क्या होगा आई डेल साई बाई डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास है 2xy प्लस y स्क्वायर प्लस j टाइम्स डेल साई बाई डेल वाई की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस z स्क्वायर. इसी तरीके से डेल साई बाई डेल जेड की वैल्यू हमारे पास है 2yz और इसकी ओवरऑल वैल्यू हमें किस पर कैलकुलेट करनी है एट द पॉइंट 1 1 1 पर क्योंकि हमें गिवन है. तो एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 1 1 रखने पर कितना मिलेगा हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 1 1 रखने पर कितना मिला 3i प्लस 4j प्लस 2k. तो ये हमारा वेक्टर क्या है से दिस इज योर वेक्टर डी. हमने मान लिया ये क्या है वेक्टर डी है जिसकी डायरेक्शन में मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है. अब किसका करना है ये भी तो हमारे पास है, किस फाई का करना है वो हमें पता था, फाई गिवन है एक्स वाई जेड. ओके तो हमारा डेल फाई कितना होगा डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल जेड विद आई टाइम्स विद जे टाइम्स के टाइम्स डेल फाई बाई डेल वाई. ओके दिस इज योर जे टाइम्स. तो डेल फाई की वैल्यू मेरे पास हो जाती है, फाई हमारे पास ऊपर की वन है तो डेल फाई ओवर डेल एक्स निकाल सकते हैं. डेल फाई ओवर डेल एक्स कितना होगा मीन्स फाई का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव मीन्स वाई जेड प्लस जे टाइम्स ऑफ डेल फाई बाई डेल वाई मीन्स एक्स जेड. ओके प्लस के टाइम्स ऑफ डेल फाई डेल जेड मीन्स एक्स वाई. ओके अब डेल फाई और की वैल्यू 1 1 1 पर कितनी होगी मीन्स इस पूरे रिलेशन की वैल्यू 1 1 1 पर. तो एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 1 1 रखने पर कितना मिलेगा आई प्लस जे प्लस के. ओके अब हमें क्या निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ किसके लिए निकालना था ऑफ द स्केलर फंक्शन दैट इज फाई इज इक्वल्स टू कितना होगा डेल फाई का कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन किसकी डायरेक्शन में वेक्टर डी के यूनिट वेक्टर डी के डायरेक्शन में. ओके क्या हमें निकालना है डी आपके पास है तो डी कैप हम यहां देखिए निकाल सकते हैं. डी कैप की वैल्यू क्या होगी 3i प्लस 4j प्लस 2k और इसको इसके मॉड से डिवाइड कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर.
डेट इज कितना मिला, 3i + 4j + 2k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 29। इसकी वैल्यू हम रख देते हैं, डेल फाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास एट 1111 आई प्लस जे प्लस के। डॉट डी कैप कितना है, 3i + 4j + 2k प्लस 2k। ओके 2k, और इसका हमने नीचे क्या किया, डिवाइड किया, किसे डिवाइड किया, अंडर 29 से। और इसको अगर हम सोल्व करें बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर 3 + 4 + 2 बाय द डॉट प्रोडक्ट, और नीचे डिवाइड में क्या है, अंडर रूट 29, डेट इज 9/√29। तो ये क्या मिला हमें, दिस इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द स्केलर फंक्शन फाई, और किसकी डायरेक्शन में, आउटर नॉर्मल और नॉर्मल टू द सरफेस साई। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ यू इज गिवन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वी इज गिवन x² + y² + z² एंड डब्ल्यू इज गिवन yz + zx + xy, देन शो दैट ग्रेड यू, ग्रेड वी एंड ग्रेड डब्ल्यू बी द कोप्लेनर वेक्टर्स। तो देखिए हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, ग्रेड ऑफ यू, ग्रेड ऑफ वी, ग्रेड मीन्स ग्रेडियंट, ग्रेड ऑफ डब्ल्यू। यहां पर देखिए सारे यू वी डब्ल्यू क्या है, स्केलर क्वांटिटीज हैं, ही कैन से दीज आर द स्केलर फंक्शन। तो हम नेचुरल सी बात है उनका ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, ग्रेडियंट क्या होगा, यू का ग्रेडियंट डेल यू के इस टाइप से। अब दूसरी बात यह है कि जब हम उनका ग्रेड कैलकुलेट कर लेंगे तो ये क्वांटिटीज वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएंगी, अभी तो ये स्केलर है, देखिए कहीं भी आई जे के नहीं लगा हुआ सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन ग्रेड लेते ही वो वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएंगी, और वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट होते ही हम वेक्टर की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे पास है कोप्लेनरिटी के लिए भी है, कि उनका ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, अगर जीरो होता है तो थ्री वेक्टर्स क्या होंगे, कोप्लेनर। तो सबसे पहले हम ग्रेड यू, ग्रेड वी, ग्रेड डब्ल्यू लेके इन क्वांटिटीज यू वी डब्ल्यू को वेक्टर में कन्वर्ट कर लें। मीन्स ग्रेड यू मीन्स डेल U, ओके, डेल U मीन्स I, डेल U ओवर डेल X, प्लस J टाइम्स ऑफ डेल U ओवर डेल Y, प्लस K टाइम्स ऑफ डेल U ओवर डेल Z, ओके, U हमारे पास देखिए कितना गिवन है, x + y + z, तो हम डेल U ओवर डेल X निकालेंगे, क्या आएगा, Y प्लस Z, ओनली, क्या आएगा, ओनली 1। इसी तरीके से अगर हम डेल यू ओवर डेल वाई निकालेंगे यहां से, इट इज ऑल्वो ऑल्सो 1, और डेल यू ओवर डेल जेड भी 1, और वो वैल्यू हम इसमें सब्सिट्यूट करें तो कितना मिलेगा हमें, चेक इट आउट द एरिया, डेट इज i (1, j)(1, k)(1, डेट इज i, यूनिट वेक्टर i + j + k। तो देखिए ग्रेड यू होते ही यू किस में कन्वर्ट हो गया, वेक्टर क्वांटिटी में। सिमिलरली ग्रेड वी कितना होगा हमारे पास, i (∇v/∇x) + j (∇v/∇y) + k (∇v/∇z). वी हमारे पास है x² + y² + z² तो हम डायरेक्ट डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई और डेल वी ओवर डेल जेड निकाल सकते हैं, और अगर हम इसमें सब्सिट्यूट करें मेरे तो क्या मिलेगा, 2xi
प्लस 2yj प्लस 2zk. ओके, सो दिस इज ग्रेड v. सिमिलरली ग्रेड w हमारे पास क्या होगा, डेल w, और डेल w मीन्स i डेल w ओवर डेल x, j डेल w ओवर डेल y, प्लस k टाइम्स ऑफ डेल w ओवर डेल z. अब w हमारे पास वैल्यू गिवन है, तो हम इसे डायरेक्ट डेल w ओवर डेल x, डेल w ओवर डेल y, डेल w ओवर डेल z निकाल सकते हैं. और निकालने पर हमारे पास क्या मिलेगा, टेक इट आउट देयर, i टाइम्स ऑफ z प्लस y, j टाइम्स ऑफ z प्लस x, एंड k टाइम्स ऑफ y प्लस x. तो ये वैल्यू हमने निकाल दी. अब देखिए तीन वेक्टर हमारे पास है, पहला वेक्टर है ग्रेड u, दूसरा वेक्टर ग्रेड v, और तीसरा वेक्टर है ग्रेड w. अब वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें हम वेक्टर के सारी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं. और हमारे पास कोप्लेनर के लिए क्या है, फॉर वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर क्या होना चाहिए, देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो. ओके, तो क्या होगा वो देखिए, ग्रेड यू डॉट ग्रेड वी क्रॉस ग्रेड डब्ल्यू. ओके, ठीक है, दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वेरी वेरी सिंपल, तीनों वेक्टर की कॉफिशेंट्स हम अरेंज कर लें डिटरमिनेंट में, इसकी वैल्यू हमेशा इसके बराबर होती है. अब पहला वेक्टर देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, व्हाट इज अवर पहला वेक्टर हियर, फर्स्ट वेक्टर इज आई प्लस जे प्लस के, तो इसके कॉफिशेंट कितने होंगे यहां से, 1 1 1 1 1 1. सेकेंड वेक्टर में देखिए हमारे पास क्या है, आई जे के कॉफिशियंट्स 2x 2y 2z. इसी तरीके से थर्ड वेक्टर जो है हमारे पास, दैट इज ग्रेट w, इसमें आई जे के कॉफिशियंट्स क्या है हमारे पास, z प्लस y, z प्लस x एंड y प्लस x. ओके, फॉर द राइट हैंड साइड हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 इज टेकन कॉमन, 1 1 1, ओनली x y z, z प्लस y, z प्लस x, y प्लस x. ओके, इसको अगर फर्दर सोल्व करें, कुछ ऑपरेशंस लगाएं, तो वी हैव टेकन ऑपरेशंस फॉर द डिटरमिनेंट, क्या लगाया हमने, r2 रिप्लेस बाय r2 प्लस r3, तो डिटरमिनेंट हमारे पास बन जाती है, क्या डिटरमिनेंट बनेगी, 1 1 1, x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z, और x प्लस y प्लस z. ओके, और तीसरा रो क्या होगा, डेट इज y प्लस z, डेट इज y प्लस z, z प्लस x, y प्लस x. तो ये डिटरमिनेंट हमें मिल जाएगी. ओके,
और अगर इस डिटरमिनेंट से हम सेकंड रो से क्या कॉमन ले रहे हैं, सेकंड रो से क्या कॉमन ले सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड सभी में देखिए वही एलिमेंट है, तो इसमें से हमने कॉमन लिया 2x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया, तो विद इन द डिटरमिनेंट क्या बचेगा ऊपर 1 1 1 और नीचे भी 1 1 1 है ना, और लास्ट रो में देखिए क्या बचा, लास्ट रो में क्या बचेगा हमारे पास जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस एक्स। हम इसको शो करेंगे, नेक्स्ट पेज भी इसको शो करके दिखाते हैं। डिटरमिनेंट में से टू ऑलरेडी कॉमन पहले था, फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिया हमने रो टू से, तो हमारे पास डिटरमिनेंट बचता है ऊपर 1 1 1 ऑलरेडी था, दूसरे रो में से हमने एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1 1 1 और तीसरा रो था हमारे पास वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई। अब इस डिटरमिनेंट में देखिए क्या है, वी हैव टू रोज आर आइडेंटिकल, दो देखिए दो रो क्या है 1 1 1 है, एक जैसी है और 1 1 1 भी है, तो हम क्या लिख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो, क्योंकि दो रो क्या है आइडेंटिकल है। इसका मतलब ग्रेड यू डॉट ग्रेड वी क्रॉस ग्रेड डब्ल्यू की वैल्यू जीरो हो गई, हेंस दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ये वेक्टर कैसे होंगे कोप्लेनर। नाउ वी आर टेकन क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द सर्फेसेज दिस वन डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 9 एंड जेड इज गिवन अगेन सेकेंड सर्फेस जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 एट द पॉइंट 2 माइनस 1 2। अब हम देखिए इसमें एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, क्योंकि अभी दोनों सर्फेस क्या है स्केलर फंक्शन है, तो हम उसमें वेक्टर की कोई भी प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर की प्रॉपर्टी जब यूज करेंगे जब हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें स्केलर फंक्शन गिवन है, इसलिए हम वेक्टर की कोई भी प्रॉपर्टी अभी यूज नहीं कर सकते। लेकिन हमें प्रॉपर्टी क्या पता है, एंगल बिटवीन द टू सरफेसेस एट द पॉइंट इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स टू दैट सरफेस एट द पॉइंट। इसका मतलब क्या है, अगर कोई दो सरफेस है तो उनके बीच में जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, दोनों अलग अलग सरफेस के नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा। ओके तो हम क्या करेंगे, इनके नॉर्मल सरफेस निकाल लेंगे या नॉर्मल वेक्टर निकाल लेंगे, और उनके बीच में जो एंगल होगा वही सरफेस के बीच में एंगल होगा। वैसे भी देख लीजिएगा, दो सरफेस लेयर के उस पर नॉर्मल वेक्टर डाल दीजिए तो जो एंगल सरफेस के बीच में होगा वही एक एंगल उन नॉर्मल वेक्टर्स के बीच में मिलेगा। ठीक, हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला सरफेस दैट इज 5 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास फाई टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 माइनस जेड इज इक्वल्स टू 0। ये दो हमारे पास सरफेसेस है। अब इनके देखिए नॉर्मल वेक्टर्स क्या होंगे, नॉर्मल्स टू द
सरफेसेस, पहला क्या होगा डेल फाई वन, डेल फाई वन डेट इज विच इज ऑलवेज हमारे पास कितना होगा आई टाइम्स ऑफ डेल फाई वन ओवर डेल एक्स प्लस जे टाइम्स ऑफ डेल फाई वन ओवर डेल वाई प्लस ए टाइम्स ऑफ डेल फाई वन ओवर डेल जेड। अब देखिए चूंकि हमारे पास क्या है फाई वन की वैल्यू गिवन है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, हम सारे पार्शियल डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके जैसे जो हम पहले भी कर चुके हैं, तो डेट इज आई डेल फाई वन ओवर डेल एक्स कितना होगा 2x, डेल फाई वन ओवर डेल वाई कितना होगा 2y, सिमिलरली k 2z, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल फाई वन। अब डेल फाई वन ये नॉर्मल वेक्टर है सरफेस वन के लिए, इसकी वैल्यू 0.2 माइनस वन टू पर कितनी होगी, क्या करेंगे हम x की जगह 2, y की जगह माइनस वन और z की जगह 2 रख दें, तो ऐसा करने पर हमें क्या वैल्यू मिलेगी डेट इज 4i माइनस 2j प्लस 4k। सो दिस इज अ फर्स्ट नॉर्मल और फर्स्ट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस फाइव वन। इसी तरीके से अब हम दूसरा नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे किसके लिए, जो कि फाइव टू के लिए है, वो क्या होगा डेल फाइव टू मीन्स आई टाइम्स ऑफ डेल फाइ टू ओवर डेल एक्स प्लस जे टाइम्स ऑफ डेल फाइ टू ओवर डेल वाई प्लस के टाइम्स ऑफ डेल फाइ टू बाई डेल जेड। ये किसकी वैल्यू है, इट इज अ नॉर्मल वेक्टर और आउटर नॉर्मल टू द सरफेस फाइ टू। ओके एज प्रीवियस डेल फाइ टू की वैल्यू एट द पॉइंट, पॉइंट हमारे पास क्या है 2 माइनस 1 एंड 2, इस पर निकालें तो हमें ये क्या मिलता है, सो वी हैव दिस पार्ट डेट इज 2x i प्लस 2y j माइनस के की वैल्यू 2 माइनस 1 2 पर। ओके और इसमें ये वैल्यू पुट करने पर हमें मिलेगा 4i माइनस 2j प्लस 4k कितना मिलेगा हमें डेट इज दिस वन। अब देखिए हमारे पास दो नॉर्मल वेक्टर निकल चुके हैं, अब वेक्टर के बीच का एंगल हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस टेक डेल फाई वन एट 2 माइनस 1 2 इज आवर वेक्टर n1 एंड डेल फाई 2 एट द पॉइंट 2 माइनस 1 2 इज इक्वल्स टू वेक्टर n2। अब एक तरीके से हमारे को n1 वेक्टर और n2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, हम जानते हैं n1 डॉट n2 बाय द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल्स टू कितना होगा मॉड ऑफ द वेक्टर n1 मॉड ऑफ द वेक्टर n2 इनटू कॉस थीटा एंड
cos theta is equals to vector n1 dot vector n2 divided by mod of vector n1 mod of vector n2. ओके अब देखिए n1 हमारे पास क्या था, वी हैव द n1 4i माइनस 2j प्लस 4k डॉट 4i माइनस 2j माइनस k. अब इन दोनों का मॉड देख लीजिए, इजीली हम निकाल सकते हैं अंडर रूट डेट इज 4 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर डेट इज. अब ऊपर का डॉट प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 इंटू माइनस 1 ओके डिवाइडेड बाय अंडर रूट. अब देखिए ऊपर क्या हमारे नीचे क्या आएगा, डेट इज 16 एंड 4 कितना हुआ हमारे पास 20 एंड 36 अंडर रूट 36 एंड इट इज 16 प्लस 4 20 प्लस 1 अंडर रूट 21. सो दिस गिव्स यू 16 प्लस 4 20 माइनस 4 दैट इज 16 ओवर अंडर रूट 36 का 6 रूट 21. सो वी हैव द वैल्यू फॉर दिस cos theta. यानी cos theta हमारे को मिलता है 16 बाय 6 रूट 21. तो थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, cos inverse